दोस्तों बहुत से लोग बियर्ड ग्रो करने के लिए मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपके 20-25 दिन में ही बियर्ड के बाल दिखाई देने लग जाएंगे। ओके, लेकिन भाई जो लोग बिगनर होते हैं ना, जैसे वो लोग बियर्ड ग्रो करने के लिए यार मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, वो लोग 10-15 दिन के बाद क्या बोलते हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां। यार भाई 10-15 दिन में कैसे तुम्हारे बियर्ड के बाल आ सकते हैं मिनोक्सिडिल से? ये दिक्कतें नए लोगों के साथ होता है जो लोग बियर्ड ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग 10-15 दिन तक वेट करते हो, बियर्ड नहीं आते हैं, कोई कोई तो भाई डीमोटिवेट हो जाता है। ओके, तो दोस्त जैसे आप लोग 1-2 महीने यूज़ करते हो आपके बियर्ड, मतलब भाई आपके 1-2 महीने में बियर्ड आने लग जाते हैं, जरा सोचो कितनी खुशी की बात है। ओके, और आज मैं जो तरीका बताऊंगा, आपके 20-25 दिन में ही बियर्ड के बाल आने लग जाएंगे जो आप लोग बियर्ड ग्रो करने के लिए यार तरस रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ एडवांस तरीके से बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो दोस्त लाइक करना, चैनल को या सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, ये स्टार्टिंग का रिजल्ट है, इनका 12 दिन हो चुका है। ब्रांड कौन सा है? ये बंदा मिनटॉप यूज कर रहा है और साथ में एवियन 400 यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी 12 दिन हुआ, इनका भर के कमेंट चैट आ रहे हैं, अब्रार भाई कुछ करो यार, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोगों को रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, मैं इस वीडियो में ना 2 बंदों का रिजल्ट दिखाने की कोशिश करूंगा, तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक देखना और हाँ अच्छे से समझना, ठीक। तो चलिए यहां पर देखो भाई, ये स्टार्टिंग की है, अभी इनका 12 दिन हुआ है। चलिए मैं आपको लाइव चीजें दिखाते हैं कितना दिन हुआ। तो भाई यहां पर देख लो, हेलो ब्रो, मैं भी मिनोक्सिडिल लगा रहा हूं, मतलब इन्होंने स्टार्ट कर दिया मिनोक्सिडिल लगाना, ये स्टार्टिंग की पिक है, भाई ने मेंशन भी किया है। चलिए थोड़ा नीचे दिखाते हैं, यहां पर देख लो, ये मिनटॉप है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई तुम सिर्फ मार्स का ही क्यों रिजल्ट दिखाते हो, अदर भी दिखा सकते हो मिनटॉप टूगेन। तो दोस्त मैं तुम्हें बता दूं, ऑलरेडी मेरे चैनल पर सभी ब्रांड के रिजल्ट पड़े हैं और सभी ब्रांड के यार अच्छे अच्छे रिजल्ट है, जो बंदा सबर किया ना उन्हीं को अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और ये रहा मिनटॉप, आप लोग बोलते हो भाई मिनटॉप का रिजल्ट दिखाओ, तो दोस्त आप लोग यहां पर देख लो, ये बंदा मिनटॉप यूज कर रहा है, अभी इनका 12 दिन हुआ है, रिजल्ट भाई इससे भी अच्छे मिलते हैं। और देखो इनका प्राइस जो है ना थोड़ा ज़्यादा है, और मार्स का लगभग तुम्हें 400 से 500 में मिल जाता है। एक कंपेयर में करके बता दो, देखो दोस्त मार्स का जो रिजल्ट है ना यार मिनटॉप से भी अच्छा है, क्योंकि कम बजट में भी है। और बहुत से लोगों को यार देखो एक चीज़ बता दूँ, मार्स का एक नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मार्स का जो रिजल्ट है ना किसी किसी को नहीं आते हैं, समझ रहे हो ना। तो दोस्त कोई ज़रूरी नहीं है मार्स से उसे रिजल्ट नहीं आया तो तुम्हें भी रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है। देखो बहुत से लोगों को मिनटॉप से भी रिजल्ट नहीं आते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। जरा सोचो यहाँ पर देख लो, मैं ये यूज़ करता हूँ साथ में एवियन 400 भी, अब तो आएंगे ना ब्रो, मतलब ये बंदा बोल रहा है मैं मिनटॉप यूज़ कर रहा हूँ क्या मेरे बियर्ड आ जाएंगे। तो दोस्त यहाँ पर देख लो, ये 12 दिन का शायद ये रिजल्ट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ब्रो सिर्फ आज 12 दिन हुआ है, मतलब ये 12 दिन का पीक है। जरा सोचो मैं क्या बोलता हूँ वीडियो में, दोस्त आप लोग कम से कम 1 या 2 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करो, तुम्हारे बियर्ड के पतले पतले बाल आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, और बहुत से लोगों को यार 1 महीने में उनके बियर्ड के जो बाल आते हैं ना थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो ये बंदा खामो खा यार टेंशन ले रहा है, मतलब भाई इनके ऑलरेडी फोलिकल्स हैं, तो भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, जरा तुम पेशेंस रखो, सबर करो, तुम्हारे बियर्ड के बाल आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोस्त चलिए मैं आपको एक बंदे का और रिजल्ट दिखा देता हूँ, जो कि यार उसे टाइम तो लगा है लेकिन हाँ रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और मैं आपको उसके बाद बताऊँगा आप कैसे अपने पतले पतले बालों को 20-25 दिन में ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें एक तरीका और बताऊंगा जो कि आप लोगों के अंदर यार बहुत मतलब यार बस गई है, वो वाली मतलब निर्दयी बस चुकी है, आप लोग गैप वगैरह करते हो ना, तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप लोग चाह कर भी गैप नहीं करोगे बियर्ड जर्नी में, ठीक है। तो चलिए दूसरे बंदे का रिजल्ट दिखाता हूँ, तो ये रहा दूसरे बंदे का रिजल्ट, अगर मैं आपको जूम करके रिजल्ट दिखाऊँ तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लो, मतलब भाई बहुत अच्छे तरीके से इनके पतले पतले बाल ग्रो हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी है, लेकिन हाँ इन्हें 4 महीने में रिजल्ट मिला है। ब्रांड कौन सा है? ब्रांड इनका भी मिनटॉप है। मैं क्या बोला हूँ भाई, थोड़ा तुम पेशेंस रखो बियर्ड जर्नी में, ठीक है। अगर तुम पेशेंस रखते हो, थोड़ा वेट करते हो, तो मेरे दोस्त तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, मैं एक ही बात कहाँ तक बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पर देख लो कितनी मतलब यार ढेर सारे पतले पतले बाल इनके आ रहे हैं, कहीं पर भी गैप नहीं है, जहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रही है ना वहाँ पर भी पतले पतले बाल आ रहे हैं। ओके, चलिए थोड़ा मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करता हूँ कैसे तुम अपने बियर्ड को 20-25 दिन में ही ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, हेलो अब्रार भाई, मेरा बियर्ड जर्नी 4 मंथ हो गया है, मुझे लगता है रिजल्ट बहुत स्लो है, मैं मैटर्स का मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी मैं मिनटॉप बोल दिया, बियर्ड गमी, ठीक है, ये बियर्ड गमी यूज़ कर रहे हैं, डर्मा रोलर और एवियन 400 कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आप लोगों को पता चल गया ये बंदा कौन सा मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा है और साथ में एवियन 400 भी ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोस्त अगर मैं थोड़ा यहाँ पर दिखाऊँ 2-3 रिजल्ट, तो दोस्त थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर देख लो, ठीक है, कहीं पर भी आपको गैप वगैरह दिखाई नहीं देंगे। ओके, अब यहाँ पर देख लो, अंडर नेक के नीचे हल्के से गैप हैं, बट हाँ ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्कल कर दिया हूँ, यहाँ पर देखो बिल्कुल भाई बहुत पतले पतले बाल दिखाई दे रहे हैं, बाकी जगह पर तो यार इनके बियर्ड आ चुके हैं, लेकिन हाँ अंडर नेक वाली जो तस्वीर है ना यहाँ पर थोड़ा डेंसिटी की कमी है। लेकिन अगर मैं गालों के सेंटर में बात करूँ तो भाई यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कहीं पर आपको गैप नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जरा मैं इस साइड का दिखाता हूँ,
अब एक मिनट, अब इस साइड में देख लो, ठीक है, मतलब इन्हें ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक साइड में इनके कम है एक साइड में ज़्यादा है, दोनों साइड में बराबर बियर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा नीचे दिखाते हैं क्वेश्चन इनका। तो दोस्त आप लोग यहाँ पर देखना, थोड़ा नीचे चलते हैं। एक मंथ पहले एक बार ट्रिम किया, मतलब इन्होंने एक बार ट्रिम किया था एक महीना पहले। मुझे ब्रांड चेंज करना चाहिए या उसी को यूज करूँ? तो दोस्त देखो, यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो। देखो दोस्त, तुम्हें इस ब्रांड से रिजल्ट मिल रहा है ना, अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं, डेंसिटी में भी कोई कमी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। बहुत से लोग यार इस कंडीशन में ब्रांड चेंज कर देते हैं और क्या बोलते हैं, भाई मेरे एक एक बाल जो है ना गिर रहे हैं, ठीक है, और बियर्ड बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। दोस्त जिसे मतलब भाई जिस ब्रांड से तुम्हें रिजल्ट मिला ना, उसी को यार कंटिन्यू रखो। अगर तुम्हारे 6 महीने बीत जाते हैं ना, तो दोस्त तुम ब्रांड चेंज कर सकते हो, चाहो तो तुम विटलाइजर भी यूज कर सकते हो। अगर ये बंदा मार्स का यूज किया होता तो शायद इनकी बियर्ड और ज़्यादा टर्मिनल हो चुके होते। बट बहुत से लोगों को यार देखो, मिनटॉप, माइंड मैटर्स, मार्स और भी ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब भाई किसी किसी को सूट नहीं करता है, सभी के बॉडी जो है ना अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। तो किसी को बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलता है, किसी को थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर देख लो दोस्त, भाई बजट का इशू हो रहा है, माइंड मैटर्स थोड़ा महंगा आता है, यही प्रॉब्लम है सभी के साथ। आप लोग स्टार्टिंग में यार कुछ भी मंगाओ ना तो सोच समझ कर मंगाओ, ठीक है। और बहुत से लोग बोलते हैं अब्रार तुम तो यार मार्स का प्रमोशन करते हो। दोस्त मैं तुम्हें बता दूं, मार्स जो है ना सभी के लिए ठीक ठाक बजट में आ जाता है। तुम समझते क्यों नहीं, मैं आज तक मार्स का अनबॉक्सिंग नहीं किया हूं, ठीक है, तो मैं कैसे प्रमोशन करूंगा मेरे दोस्त? अगर मैं प्रमोशन करता तो इंक्लूड प्रमोशन लिखा रहता वीडियो पर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर देख लो, मैं सोच रहा हूँ कि मिनोक्सिडिल मैन मैटर्स का और बायोटिन का यूज करने, मतलब क्या बोला भाई, मतलब ये मैन मैटर्स का और बायोटिन यूज करने का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी भाई? यार आप लोग कमेंट थोड़ा अच्छे से चैट वगैरह किया करो, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है ना, समझ रहे हो? तो दोस्त देखो, अगर तुम ये बायोटिन यूज़ करोगे, माइन मैटर्स यूज़ करोगे, अगर तुम्हें रिजल्ट मिल रहे हैं तो भाई उसी को कंटिन्यू यूज़ करो, क्या दिक्कत है? मतलब ये बोला है मार्स का मैं बायोटिन यूज़ करूँगा और माइन मैटर्स का मिनोक्सिडिल यूज़ करूँ तो मेरे को कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। तो यार देखो भाई, तुम अब बायोटिन यूज़ करना चाहिए तुम्हें, मतलब सिर्फ तुम जो है कि यार मिनोक्सिडिल और एवियन 400 यूज़ कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे को जो है ना रिजल्ट स्लो दिखने को मिल रहा है। ऑलरेडी तुम्हारे इतने अच्छे बियर्ड आ चुके भाई, अगर तुम साथ में बायोटिन यूज़ करते तो यार हो सकता है तुम्हारे बियर्ड और अच्छे से बूस्ट हो जाते, ठीक है। तो दोस्त देखो यार, बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना। बोलते हैं ना, जब लोहा गर्म रहता है भाई उस पर लोहा हथौड़ी मारने से और ही मज़ा आता है। तो बिल्कुल तुम इसी कंडीशन में फंसे हो तो भाई बायोटिन यूज़ करो, अच्छे रिजल्ट आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा तुम्हें मोटिवेट कर देता हूँ, तुम कैसे अपने बियर्ड को 20-25 दिन में ही यार ग्रो कर सकते हो, 100% ग्रो होंगे तुम्हारे, ओके। तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। सुनो भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बियर्ड के बाल 20-25 दिन में ग्रो हो जाएं, जो तरीका मैं बता रहा हूं आप बिल्कुल उसे फॉलो करना, 101% तुम्हारे रिजल्ट आएंगे, लिख कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर देख लो, एक रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करूंगा, रिजल्ट दिखाते जाऊंगा, सोल्यूशन बताते जाऊंगा, तो भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लास्ट में मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए बेस्ट मिनोक्सिडिल कौन सा होगा, ओके। तो यहां पर देख लो, ये स्टार्टिंग की रिजल्ट है, बट ये बंदा जो है ना मार्स का मिनोक्सिडिल किया है। बहुत से लोग मतलब भाई इतने चतुर हैं, इतने होशियार हैं ना, स्टार्टिंग में ही 2-3 पैक मंगा लेते ताकि उनके बियर्ड जर्नी में गैप ना हो, जब उन्हें रिजल्ट मिलता है ना तो भाई बहुत से लोगों के ब्रांड वगैरह खत्म हो जाते हैं तो उन्हें गैप हो जाती है डिलीवरी में या दिक्कतें होती है, ठीक है। किसी को जल्दी मिलते हैं, किसी को थोड़ा लेट से मिल जाते हैं, तो भाई किसी किसी का 6-7-8 दिन गैप हो जाता है। ये दिक्कतें किसके साथ हुआ है भाई, कमेंट करो, आज सबको पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा, अच्छी बात है, सब कोई जान जाएगा, हाँ भाई मेरे को ही नहीं लेट होता है और लोगों को भी लेट होता है, तो कमेंट करने का ये फ़ायदा है। तो भाई देखो, विंटर का सीज़न आ चुका है भाई, विंटर के सीज़न में ना अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हो ना तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट कैसे मिलेंगे, देखो भाई, अगर तुम बिगनर हो, मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहते हो, तुम अपने बियर्ड को ग्रो करना चाहते हो, तो भाई जब भी तुम अपने चेहरे को वॉश करना तो मेरे दोस्त गर्म पानी से वॉश करना, थोड़ा गुनगुना कर लेना, बिल्कुल गर्म ना हो, मतलब ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का सा गुनगुना कर लेना। और बहुत से लोग यार ठंड की वजह से अपने चेहरे को वॉश नहीं करते हैं, सोचते हैं मैं वैसे ही लगा लूँगा, धोने की क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्त तुम बच्चे नहीं हो, थोड़ा मतलब भाई यंग हो चुके हो, होशियार हो चुके हो, तुम्हारी एज वैसे ढल रही है, धीरे धीरे बियर्ड की प्रॉब्लम है, तो ज़रा सोचो, ठीक है। गर्म पानी से वॉश करना, गर्म पानी से क्या होता है भाई, देखो गर्म पानी से जब तुम अपने चेहरे को वॉश करते हो ना भाई, जब तुम कपड़े से उसे साफ़ करते हो ना, तो भाई तुम्हारी स्किन बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट हो जाती है, जितनी यार उसमें ये क्या बोलते हैं ड्राइनेस होती है ना, निकल जाती है, समझ रहे हो ना। जब तुम मिनोक्सिडिल लगाते हो, जब सुबह में उठते हो, जब आईने में मतलब चेहरे को आईने में देखते हो ना, तो यार ड्राइनेस वगैरह छाए रहते हैं तुम्हारी स्किन में, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम गर्म पानी से वॉश करना, चले जाएंगे। वैसे तो गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ज़्यादा तुम्हें ड्राइनेस होती है तो एवियन 400 यूज़ करना, सारे दिक्कतें खत्म हो जाएंगे। मिनोक्सिडिल तुम्हें कैसे लगाना है, कब लगाना है, जरा सुन लो। यहाँ पर देख लो, इस तस्वीर में ये बंदा मिनोक्सिडिल लगाए, लेकिन धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं इनके मिनोक्सिडिल, सूख रहे हैं। जब तुम डर्मा रोलर अच्छे से यूज़ करोगे, स्किन रेड हो जाएंगे, तो भाई मिनोक्सिडिल बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है तुम्हारी स्किन में। अब इन्हें भी धीरे धीरे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो तस्वीर में रिजल्ट में दिखा रहा हूँ, इनका मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो भाई तुम लोग देख लेना, ओके। तो भाई उसके बाद डर्मा रोलर आप लोग अच्छे से करना,
तुरंत मिनोक्सिडिल लगाना है। बहुत से लोग थोड़ा वेट करते हैं हमारी स्किन का जलन चली जाए, जो रेडनेस हुआ है ना डर्मा रोलर से वो चली जाए, तब मैं मिनोक्सिडिल यूज़ करूँगा। कुछ यूट्यूबर होते हैं भाई, उन्हें बताते हैं तो लोग वैसे वैसे फॉलो करते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है ना। देखो यार दोस्त, कहते हैं ना जब लोहा गर्म होता है उस पर हथौड़ी से मारा जाना तो मज़ा कुछ और ही है, ठीक है। बिल्कुल ये तुम्हारी स्किन बियर्ड के साथ यही रोल प्ले करता है, तुम लोगों को अपना स्किन जो ना ठंडा मतलब नहीं पहुँचने देना है, जब गर्म रहे तभी मिनोक्सिडिल अप्लाई करो, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्त, उसके बाद तुम्हें घूमने नहीं जाना है। देखो दोस्त, अगर थोड़ा सा तुम्हारे मिनोक्सिडिल सूख जाते हैं तो भाई तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बटा पल्यूशन धूल धक्कड़ से बच कर रहना, स्किन में चिपकेंगे क्योंकि भाई उस कंडीशन में ना तुम्हारी स्किन जो है मिनोक्सिडिल से गीले रहते हैं, समझ रहे हो। जब सूख जाएंगे कहीं जाओ दुनिया में, मेरे से मतलब नहीं है ये, मतलब भाई मैं क्या बोल दिया भाई, देखो केयर करना है, ठीक है। तुम जिद ठान लियो ना, मैं अपना बियर्ड ग्रो करके रहूँगा, जो चीज़ बता रहा हूँ उसे बिल्कुल यार ध्यान से सुनो, थोड़ा सा थोड़ा हंसी मजाक आप लोगों के साथ तो मेरे को अच्छा ही लगता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अभी इन्हें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है, ये सब स्टार्टिंग के रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये फाइनल रिजल्ट है, मैं इनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हो, बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। ये जितना भी रिजल्ट ना, ये मैं जो दिखा रहा हूँ आफ्टर एंड बिफोर का, ये मार्स से ग्रो किए हैं। तो दोस्त आपको सुबह में फिर से अपने बियर्ड को वॉश करना है, चेहरे को वॉश करना है, और एवियन यूज़ कर लेना अगर तुम्हारे ड्राइनेस वगैरह ज़्यादा होते हैं तो। ठंड में गर्म पानी से वॉश करने का तरीका यही था जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। और देखो यार, साबुन वगैरह मत यूज़ करना स्किन पे, साबुन में सल्फेट पैराबीन यार केमिकल्स होते हैं ना, तो ड्राइनेस बढ़ने लग जाएंगे, ओके। देखो यार कभी कभी हम लोग साबुन से अपने चेहरे को वॉश करते हैं जब सूखता ना, तो भाई मैं देखा हूँ, ठीक है, बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ उनके हाथ के मतलब फिंगर वगैरह में वाइट वाइट हो जाता है, चेहरे पर भी वाइट वाइट हो जाता है। तो भाई आप लोग फेस वॉश यूज़ करो या तो कोई नॉर्मल शैम्पू यूज करो, ठीक है, तुम्हारे स्किन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। और हाँ, डर्मा रोलर को कम से कम 5 से 6 मिनट तक यूज़ करना, 5 से 6 मिनट तक यूज़ करना। और अगर डर्मा रोलर से तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होती है ना डेली डेली यूज़ करने का, ये जो बोरिंग वाली फीलिंग तुम्हारे अंदर चल रही है, तो भाई तुम हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हो, 2 दिन गैप मार दो, बट हाँ मिनोक्सिडिल मत गैप मारना, डर्मा रोलर गैप मार सकते हो, 2 दिन गैप मार दो, तुम्हारी स्किन को रेस्ट मिल जाएगी, ओके। और डेली यूज़ करना है तुम्हें। यहाँ पर देख लो भाई, बहुत से लोग इसी रिजल्ट को देखकर थोड़ा मतलब उनके अंदर चुल मच गई होगी, मैं भी अब जर्नी स्टार्ट करके ही रहूँगा, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जो बंदा यहाँ तक वीडियो देखा हैज बी नो हेयर मेंशन जरूर करना, ताकि मेरे को पता चल जाए हाँ कोई है मेरे को दिल से चाहने वाला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।